Assalamualaikum. This video is about molecular docking, and this video is about the methodology from the very first step to the last step. And this is specifically for the Pakistani students. If you do not understand the national language of Pakistan, you may turn on the caption and can understand via subtitles. So without wasting much time, we will start. First of all, you need to have this folder, which is about molecular docking. You can also name this your folder like this. We will open this folder, or is folder ke andar ek protein hogi aapke paas 6LU7 aur do molecules yahan pe mole format ke andar maujood hai jo aapne already library banayi hai. Yaad rakhiyega, agar aap molecular docking perform karna chahte hain MOE mein, to aapke tamam molecules is format ke andar hone chahiye. तो ये आपका डाटा प्रिपेयर्ड है. अगर आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो आप अपनी डॉकिंग प्रोसीड कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा मॉलिक्यूलर डॉकिंग में. सबसे पहले हम ये जो प्रोटीन है 6LU7 दिस वन प्रोटीन, इसको प्रिपेयर करेंगे. इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन. ओपन में ये डेस्कटॉप पे हमारे पास फोल्डर पड़ा था मॉलिक्यूलर डॉकिंग के नेम से, एंड हियर इज प्रोटीन 6LU7, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अप्लाई पे. वी विल क्लिक और ओके, एंड योर प्रोटीन इज अप्लाइड. ठीक है, और यहाँ पे बेहतरीन चीज़ ये है, ये सिस्टम का ऑप्शन राइट कॉर्नर पे सिस्टम का ऑप्शन आप देख सकते हैं. यहाँ पे रिसेप्टर है जो प्रोटीन को हम कहते हैं, सॉल्वेंट है जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो लिगेंड होता है. जब भी हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं तो हम उसके अंदर से सॉल्वेंट और लिगेंड को रिमूव कर देते हैं. ये हम क्यों रिमूव करते हैं, देर विल बी सेपरेट वीडियो अबाउट इन्फॉर्मेशन. एक अलहदा वीडियो होगी जिसमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हम जो भी स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उन स्टेप्स का मतलब क्या है. यहाँ पे सिर्फ मेथडोलॉजी डिस्कस होगी कि करना कैसे है. तो हम इनको रिमूव करते हैं. यहाँ पे सीक्वेंस SEQ के नाम से लिखा होता है, सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो पॉपअप होगी. ये जो HOH इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप इसको डिलीट कर देंगे, इस चेन को, वाटर मॉलिक्यूल की चेन को. 6LU7 अगर आप दोबारा से सिस्टम में देखें, अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें, एक रिसेप्टर है और एक लिगेंड है. रिसेप्टर हम रख लेंगे और लिगेंड को हम रिमूव कर देंगे. अगेन क्यों रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक पॉकेट क्रिएट होगी जिसके अंदर हमारा न्यू जो मॉलिक्यूल जिसकी हम डॉकिंग करने जा रहे हैं वहाँ आके बाइंड करेगा. तो हमने ये लिगेंड रिमूव कर दिया. फर्दर डिटेल्स हम किसी और वीडियो में शेयर कर लेंगे. यहाँ तक हमने इसको इतना प्रिपेयर किया कि हमने अपने प्रोटीन के लिगेंड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया. अगेन आप सिस्टम में चेक कर सकते हैं, नाउ वी ओनली हैव रिसेप्टर. नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. यहाँ पे प्रिपेयर के ऑप्शन में जाएंगे, और ये एक ऐप दी हुई है MOE में स्ट्रक्चर प्रिपरेशन की. पहले पहले लोग प्रोटीनेट करते थे, यहाँ से प्रोटोनेट करते थे 3D स्ट्रक्चर्स को, और सेपरेट स्टेप्स करते थे. अभी एक ऐप है विच इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज. यहाँ से आप क्लिक करेंगे प्रोटोनेट 3D के ऑप्शन पे, यू विल क्लिक और ओके, और कुछ कैलकुलेशंस इस तरह की स्टार्ट होंगी. ये मैक्सिमम आपके 1 से 2 मिनट लेंगी, और जैसे ही ये कम्प्लीट होंगी वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप. कैलकुलेशंस कम्प्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ से ये एक हमें नज़र आ रहा है कि टर्मिनल चार्जेस सी टर्मिनस, ये एक इश्यू है जिसको हम करेक्ट कर लेंगे. करेक्टिंग वन चार्ज इशू. ठीक है, इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे. हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्टेप हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से SVL कमांड्स होती हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन होता है प्रोटोनेट 3D. आज की डेट शो हो रही है, टाइम शो हो रहा है, इट मीन्स इट हैज़ कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, द सेकेंड स्टेप विच इज एनर्जी मिनिमाइज. अब हमने इस प्रोटीन की एनर्जी मिनिमाइज करनी है. हमने इसके ऊपर क्लिक किया और डिफॉल्ट प्रोसीजर के साथ ही हम इसको ओके कर देते हैं. अगेन वही कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है. आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोसीजर होना स्टार्ट हो चुके हैं, जब ये कैलकुलेशन स्टार्ट होती हैं. जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो स्क्रीन पे कोई भी वैल्यूज कैलकुलेशन शो नहीं होती. आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं SVL कमांड से, इस तरह की आपको एनर्जी मिनिमाइजेशन शो हो रही होगी. अभी हम प्रोटीन की एनर्जी मिनिमाइज क्यों करते हैं, अगेन देर विल बी अ सेपरेट वीडियो. वी हैव प्रिपेयर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने 3 स्टेप्स किए थे. हमने पहला स्टेप ये किया था कि हमने सीक्वेंस को प्रिपेयर किया था
सेकेंड स्टेप में हमने प्रोटोनेशन किया है, थर्ड स्टेप में एनर्जी मिनिमाइजेशन एंड द फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हम एक्टिव साइट को डिटरमाइन करते हैं. यहाँ पे साइट फाइंडर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे. जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ सीक्वेंसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगी. आपने वो सीक्वेंस चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, जिसका साइज सबसे ज्यादा हो. यूजुअली ये पहली सीक्वेंस ही हुआ करती है हमेशा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इस केस में भी पहले ही सीक्वेंस है. सो हम इसमें आइसोलेट करेंगे एटम्स एंड बैकबोन और फिर इसमें डमीज पे क्लिक करेंगे. क्रिएट डमी एटम एट अल्फा सेंटर, यस, और हम अप्लाई कर देंगे. हमारे डमी एटम्स अप्लाई हो चुके हैं और इस तरह हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे. यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं. और इसके बाद हमारा प्रोटीन का जो प्रेपरेशन वाला स्टेप था, प्रेपरेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल प्रोटीन, वो कंप्लीट हो चुका है. इसको हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं फर्दर यूजेस के लिए. यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेव. ऑल राइट,